लेटर। और बेसिकली मजाक के वे में मैं इतना सा कहना चाह रही हूं, ये वो पत्र वाला लेटर नहीं है, वो LETER होता है। मैंने क्या लिखा है, LA। पहला भ्रम तो ये मिटा लो। अब दूसरा भ्रम कि इन दोनों में फिर क्या फर्क है। ये जो शब्द है ना बेटा, ये दिखाता है टाइम, हमेशा। और ये जो शब्द है ये दिखाता है पोजीशन, हमेशा। जब भी हमें दो लोगों में बाद वाला कहना होता है, दो में से बाद वाला व्यक्ति दिखाना है, तो हम यूज करते हैं किसे, लेटर को। जबकि हम समय से लेट या देर से जब किसी को कहना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं लेटर को। देखो ध्यान से, ये जो शब्द है ना ये लेट से बना है, और लेट किससे रिलेटेड होता है, टाइम से। जबकि लेटर जो है वो फॉर्मर का अपोजिट है। किसका, फॉर्मर का। फॉर्मर की हिंदी होती है पहले वाला, या इतिहास की भाषा में कहते हो पूर्व प्रधानमंत्री, दैट पूर्व वर्ड इज फॉर्मर। तो फॉर्मर है पहले वाला दो में से, और लेटर है बाद वाला दो में से। सपोज किसी लाइन में दो लोग खड़े हैं, तो इसे बुलाएंगे फॉर्मर और इसे बुलाएंगे लेटर। अब आपको लग रहा होगा ये है पहले वाला, चलो ऊपर से देख लो तुम। मैं नीचे से ड्रॉ किया था तो मैं नीचे से पहले वाला दूसरे वाला देख लिया, आप ऊपर से देख रहे हो तो ये पहले वाला हो गया फॉर्मर और ये लेटर हो गया। अब आपको लगेगा मैम फर्स्ट सेकंड भी तो बोल सकते हैं, फॉर्मर लेटर क्यों बोल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं बोल रहे। क्योंकि फॉर्मर की सुपरलेटिव होती है फर्स्ट, और लेटर की सुपरलेटिव होती है, और सुपरलेटिव दो से ज्यादा में आती है।